हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल स्टार्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आयोटा एंड इट्स पावर। ठीक है, आयोटा एंड इट्स पावर। देखो बेटा, सिंपल सी कहानी है। जो आयोटा इज अ इमेजिनरी नंबर जिसको रिप्रेजेंट हम स्मॉल आई से करते हैं, और ये चीज इक्वल टू जो होता है वो अंडर रूट ऑफ माइनस वन होता है बेटा। ठीक है, दूसरी चीज ये रिलेशन से आप अगर याद रखना चाहो तो आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू जो होगा बेटा वो माइनस वन होगा। तीसरी चीज, आयोटा पर पावर थ्री जो होगा बेटा वो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, तो दिस इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो हो जाएगा प्लस वन, सॉरी माइनस आयोटा। ठीक है, और आयोटा पर पावर फोर जो है बेटा वो इक्वल जो होगा वो वन होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा? तो आयोटा का पावर फोर का मतलब है आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर, और ये आयोटा का स्क्वायर माइनस वन और मल्टीप्लाई माइनस वन होता है बेटा, तो ये प्लस वन होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इनका आयोटा पर पावर फोर जो है वो चीज इक्वल टू वन आता, तो इसका मतलब फोर जो है बेटा वो इनका ऑर्डर है, मतलब फोर का मल्टीपल आयोटा पर पावर मल्टीपल ऑफ फोर कभी भी आएगा बेटा तो उसका रिजल्ट ऑलवेज कम से जीरो, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब जैसे आयोटा पर पावर फाइव के लिए चले बेटा, तो ये वैल्यू आयोटा पर पावर फाइव इक्वल टू आयोटा होता है, आयोटा पर पावर सिक्स इक्वल टू माइनस वन होगा बेटा, आयोटा पर पावर सेवन इक्वल टू माइनस आयोटा होगा, और आयोटा पर पावर एट इक्वल टू बेटा वन आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। अब देखो एक्चुअली होता क्या है, फोर से किसी चीज को अगर ऑर्डर इनका फोर है तो फोर से किसी चीज को डिवाइड देते हैं, तो डिवीजन देने पर रिमाइंडर जो आने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो, वन, टू और थ्री आएगी। राइट, तो जीरो, वन, टू, थ्री आएगी, तो बस वही चीज यहाँ पर हो रहा, अगर जीरो आया तब हमारा जो आंसर आएगा वो वन आएगा। ठीक है, अगर वन आया तो आयोटा आएगा, टू आएगा तो इसके लिए क्या होगा माइनस वन आएगा, और थ्री आएगा आयोटा पर पावर तो वो चीज इक्वल टू माइनस आयोटा आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से लाइक नंबर आप बढ़ते जाएं, आप लिखें आयोटा पर पावर नाइन जो होगा वो इसके इक्वल आयोटा के इक्वल होगा, आयोटा पर पावर टेन जो होगा वो माइनस वन के बराबर होगा, आयोटा पर पावर इलेवन जो होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होगा, आयोटा पर पावर ट्वेल्व जो होगा बेटा वो चीज जो होगा वो वन होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता, तो देखो इसको सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आयोटा पर पावर नाइन है इनको हम आयोटा पर पावर फोर मल्टीप्लाई टू प्लस वन लिख सकते हैं। जब आप फोर से किसी चीज को डिवाइड दोगे तो फोर टू जाइए क्या हो जाएगा एट और रिमाइंडर वन, तो इसको लिख सकते हैं ना फोर मल्टीप्लाई टू प्लस वन नाइन इक्वल टू। ठीक है, तो इनके हिसाब से हम ऐसा अगर लिखते तो हम इनको लिखेंगे आयोटा पर पावर फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब इनका रिजल्ट जो है ये फोर का मल्टीपल है तो इनका रिजल्ट वन होगा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू आयोटा। तो ये जो था ये आयोटा से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे पता चले, थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो अब देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन में दे रखा, मैं क्वेश्चन दे देता जो आयोटा पर पावर 102, अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैंने क्या बोला, ये पावर जो भी चीज है मुझे फोर, इसका ऑर्डर जो है वो फोर है, तो मुझे फोर से डिवाइड करना है, तो मैं फोर से डिवाइड करूंगा 102 को, तो फोर टू जा एट, टू टू फोर फाइव जा 20, और ये 2 हो जाएगा ये कैंसिल, तो इनको लिखूंगा 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, 102 इक्वल टू, यही लिखते हैं रिमाइंडर थ्योरम जो भी है।
तो ये चीज इक्वल टू मैं लिखूंगा आयोटा पर पावर 4 × 25 + 2, और दिस इज इक्वल टू आयोटा पर पावर 4 × 25 + सॉरी × आयोटा पर पावर 2। तो आयोटा पावर पावर 2 जो होता है बेटा वो -1 होता है, और मल्टीप्लाई आयोटा पर पावर 4 × 25 जो होगा बेटा वो चीज आयोटा 1 होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, और अनदर टाइप क्वेश्चन लेते हैं। मान लो जो अपने पास है 1 + आयोटा पर पावर 5 दे रखा और मल्टीप्लाई 1 − आयोटा पर पावर 5 दे रखा। अब इनका क्या बोल रहा है ये, अब इनका बोल रहा है वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर 1 − आयोटा का स्क्वायर और इस पर पावर 5 लिखूंगा, और आयोटा पर पावर स्क्वायर का जो मीनिंग होता है बेटा वो -1। तो 1 + 1 पर पावर 5 इक्वल टू 2 पर पावर 5 इक्वल टू 32। ठीक है, और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं आयोटा से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन में जाते हैं बेटा। अब मान लो क्वेश्चन जो है, मैं क्वेश्चन ऐसा दे देता जो फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू 592 प्लस आयोटा रेज टू 590 प्लस आयोटा रेज टू 592 88 प्लस आयोटा रेज टू 586 प्लस आयोटा रेज टू 584 एंड होल डिवाइड जो दे रखा है बेटा वो होल डिवाइड है आयोटा रेज टू 582 प्लस आयोटा रेज टू 580 प्लस आयोटा रेज टू 578 प्लस आयोटा रेज टू 576 और प्लस आयोटा रेज टू 574 और प्लस 2 है बेटा, इनका वैल्यू मुझे ढूंढना है। ठीक है, अब इनका वैल्यू मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें जो न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट में आप देखो जो सब सब में कॉमन पावर जो है वो कितना है, तो वो है बेटा आयोटा रेज टू 584 कॉमन है बेटा। ठीक है, अच्छा, और डिनोमिनेटर में भी आप देख लो बेटा जो सबसे मतलब कौन सा ऐसा पावर जो सब में कॉमन है, तो वो है बेटा आयोटा रेज टू 574। ठीक है, अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा बेटा, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, यहाँ पर 584 मैंने कॉमन लिया न्यूमरेटर में, तो ये चीज 1 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो होएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस ये 84 कॉमन लिया तो आयोटा पर पावर 2 हो जाएगा बेटा, प्लस आयोटा पर पावर 4 हो जाएगा बेटा, प्लस आयोटा पर पावर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेटा, और प्लस आयोटा पर पावर 8 हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये भी चीज जो आएगा वो आयोटा पर पावर 8, आयोटा पर पावर 6, आयोटा पर पावर 4 प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 2 है बेटा। इसमें ये और ये कैंसल हो जाएगा। अब इनको हम लिख सकते हैं, अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या कहता है बेटा, जो आयोटा में से 584 और −574 और +2, अब ये चीज जो होगा वो आयोटा पर पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा 10 और +2। अब आयोटा पर पावर 10 को जो हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, आयोटा पर पावर 4 × 2, 4 × 2 = 8 और प्लस हम 2 लिख सकते हैं, राइट, और +2 जो है ये क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिया। अब ये चीज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, ये चीज इक्वल टू 1, सिर्फ बचा बेटा आयोटा स्क्वायर प्लस 2, आयोटा स्क्वायर का मतलब −1 + 2, और दिस इज इक्वल टू जो हम अपना वैल्यू आएगा बेटा वो वैल्यू क्या आएगा 1। तो 1 जो होगा बेटा वो इनका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत सारे, अब एक समेशन वाला भी ले लेता मैं। ठीक है, समेशन वाला भी आप लोग देख लो, इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन पर चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ये है बेटा, जो आयोटा स्क्वायर, इफ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन एन इक्वल टू 1 से 200। ठीक है बेटा, 1 से 200, और यहाँ पर आयोटा पर पावर जो दे रखा है बेटा वो एन दे रखा, तो इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जो क्या होगा। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे मेथड हैं। अब जैसे मान लो मैं उसमें से कुछ मेथड बता देता, जैसे एन इक्वल टू आयोटा पर पावर एन है, तो आप क्या लिखोगे, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पर पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा पर पावर 200। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, जो फॉर कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ आयोटा जो रहता है बेटा, और उनका सम जो आता है वो हमेशा जीरो आता है। इसका मतलब मैंने बोला जो आयोटा पर पावर एन प्लस आयोटा पर पावर एन प्लस वन प्लस आयोटा पर पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा पर पावर एन प्लस थ्री, ये 1 2 3 4 फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम जो होगा बेटा, वो चीज इक्वल टू ऑलवेज कम से जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐसे करके सोच सकते हैं, जो इसका चार चार पेयर करके आप लीजिए, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 200 पर, तो इनका सबका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो 0 0 0 ही आएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये मेथड वन आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, बस इसमें आपको ये कंसेप्ट नहीं पता था, क्या नहीं पता था, तो सम ऑफ द फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मेथड वन, मेथड टू में अगर चाहें बेटा, तो हम अगर ऐसा लिखे हुए तो इसमें देखो बेटा जीपी लगाएंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये इंक्रीजिंग पावर में है सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एस एन इक्वल टू जो फॉर्मूला होता था बेटा, वो क्या होता था, वो चीज जो होता था बेटा इक्वल टू, मैं फर्स्ट टर्म इसमें आयोटा लिखूंगा और 1 माइनस आयोटा पर पावर बेटा 200 लिखूंगा। राइट, आयोटा पर पावर 200 है और होल डिवाइड जो है बेटा वो क्या है, वो है बेटा 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है बेटा। राइट, अब 1 माइनस आयोटा दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आयोटा पर पावर 200 जो होता है बेटा, इसका रिजल्ट 1 होता है, तो मैं क्या लिखूंगा, आयोटा 1 माइनस 1 और डिवाइड 1 माइनस आयोटा, तो ये चीज जो होगा ये चीज 0 हो जाएगा, इसके वजह से ये सीक्वेंस का जो वैल्यू आएगा बेटा वो 0 हो जाएगा। राइट, तो एक तो ये कहानी है अपना। अब दूसरी बात जो है बेटा, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर में है क्या, ठीक है, और उनको हम कैसे डिफाइंड करते हैं। तो देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बेटा, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये चीज जो होता है बेटा वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वो ए प्लस आयोटा बी से, ठीक है, और ये चीज इक्वल टू ऐसे जेड लिख दो और बीच में कट कर दो। ठीक है, ये चीज जो है बेटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और जिसमें ये चीज जो आप देख रहे हैं बेटा, ये चीज जो देख रहे हैं, इनको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, और इनको जो हम कहते हैं बेटा, ये पार्ट को कहते हैं जिसमें आयोटा वाला पार्ट लगा रहता है, इसको हम कहते हैं बेटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, ये रियल पार्ट होता, ये कॉम्प्लेक्स सॉरी इमेजिनरी पार्ट होता। तो यही मैंने डेफिनेशन बताया था, द सेट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा, जो मुझे बताओ जो 2 माइनस 3 आयोटा है बेटा, ठीक है, तो इसमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा वो चीज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, वो चीज इक्वल टू 2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बेटा वो चीज इक्वल टू -3 होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, तो देखो बेटा, अब इसमें छोटे छोटे एक दो नोट होंगे, जैसे मान लो मैं नोट 1 लिखता हूं, नोट 1 में क्या है बेटा, इफ जेड इज
प्योरली रियल देन, देखो बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो ए प्लस आयोटा बी है बेटा, तो प्योरली रियल है, मतलब प्योरली रियल मतलब ये पार्ट मुझे दिखना है सिर्फ, तो ये पार्ट इसका मतलब ये है, जो ये पार्ट दुनिया में नहीं है, और जो चीज दुनिया में नहीं है बेटा मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं वो पार्ट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वो पार्ट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये है जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, ये चीज इक्वल टू जो होगा बेटा वो जीरो होगा, ठीक है, ये पहला नोट है। नोट टू में अगर देखना चाहें बेटा, तो इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन, अगर प्योरली इमेजिनरी देखना चाहते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, जो रियल पार्ट जो होगा वो चीज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा बेटा वो चीज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब एक इसमें आता है बेटा थर्ड नंबर पॉइंट भी लिख दो, जो जीरो प्लस जीरो इंटू आयोटा है बेटा, ठीक है, तो ये प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, ये चीज जो है वो प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। अब इनके बाद जो कहानी आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा वो आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है बेटा, देखो अलजेब्रा का मतलब होता है बेटा क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या डिवीजन करने के लिए या एडिशन करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए मुझे कम से कम दो नंबर की जरूरत होती होती है, ठीक है। तो मान लो ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो नंबर हम एज्यूम करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, मान लो जेड वन इक्वल टू मैं कोई नंबर एज्यूम करता 2 माइनस आयोटा, ठीक है, और जेड टू इक्वल टू कोई नंबर एज्यूम करता है बेटा वो मैं 3 प्लस 4 आयोटा लिख देता, ठीक है। तो सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाएगा जेड वन प्लस जेड टू क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये चीज जो होगा बेटा ये चीज होगा 2 माइनस आयोटा, ठीक है, जेड वन, और प्लस जेड टू जो होगा वो 3 प्लस 4 आयोटा होगा बेटा, ठीक है। तो अब इन दोनों का एडिशन वगैरह कर दो, तो ये 5 और -3 आयोटा, ठीक है, तो जेड वन प्लस जेड टू जो होगा वो 5 माइनस 3 आयोटा होगा बेटा, ठीक है। दूसरा नंबर अगर हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखें, मतलब जेड वन माइनस जेड टू अगर लिखें, तो इसका मतलब क्या है, मैं लिखूंगा 2 माइनस आयोटा, और प्लस जो लिखूंगा सॉरी माइनस जो लिखूंगा वो 3 प्लस 4 आयोटा लिखूंगा, और ये चीज इक्वल टू जो होगा 2 माइनस आयोटा -3 माइनस 4 आयोटा, और दिस इज इक्वल टू ये चीज क्या हो जाएगा -2 एंड -5 आयोटा, ठीक है, तो ये चीज जो हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बेटा। अब इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, थर्ड नंबर जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा, राइट, 3 प्लस 4 आयोटा, तो ये चीज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा बेटा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 आयोटा और -3 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, ओके। अब दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 8 आयोटा -3 आयोटा, और माइनस जो होगा वो 4 आयोटा स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा प्लस 4 इक्वल टू 10 प्लस 5 आयोटा, दिस तो ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट यही वो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या देख रहा है, ये चीज भी आप ध्यान दो, जो कोई भी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, ठीक है, उनका समेशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और अभी डिवीजन भी लेने वाले, तो वो सब भी जो आएंगे वो क्या आएंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लो मैं डिवीजन भी ले लेता,
फोर नंबर में मैं डिवीजन Z1 / Z2 लेता। तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 - iota है बेटा, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 3 + 4 iota है बेटा। तो मैं इनका अपोजिट लूंगा, वो क्या लूंगा, रेशनलाइजेशन करूंगा। तो 3 - 4 iota और डिवाइड 3 - 4 iota। ओके, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 times of 3 - 4 iota, अब -iota 3 times of 4 iota, एंड होल डिवाइड जो लूंगा वो क्या लिखूंगा, 9 और +16 लिख दूंगा बेटा। ये चीज हो जाएगा ऊपर 6 - 8 iota - 3 iota, अब प्लस नहीं -4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और होल डिवाइड जो हो जाएगा वो 25। तो दिस इज इक्वल टू 2 - 11 iota / 25। तो ये भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 2 by 25 - 11 by 25 iota। ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है बेटा वो क्या आता है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा बेटा, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा बेटा, जैसे a1 + iota b1 इक्वल टू a2 + iota b2, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर देना दिया रहा था। तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अगर आप कर लें, मतलब a1 = a2 होगा और b1 = b2 होगा। और ये इसमें बेटा इनका कोई सेंस नहीं, जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो a1 + iota b1 < हो, ग्रेटर देन हो, ठीक है, और एनोदर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब a2 + iota b2, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है या ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे इन इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया बेटा। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस मेंस का क्वेश्चन लेते हैं और फिर एडवांस का भी क्वेश्चन लेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन है, बस इतने ही, जितना थ्योरी मैंने पढ़ा है उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे मान लो बेटा क्वेश्चन दे रखा है, जो लेट -2 - 1/3 iota का क्यूब इक्वल टू जो है बेटा वो x + iota y / 27 है, ठीक है। और जहां पर आप आयोटा देख रहे हैं वहां पर वैल्यू -1 पुट करना है बेटा, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y - x = क्या होगा ये बताइए, ठीक है। अब y - x = क्या होगा, मान लो ए ऑप्शन आपका दे रखा -85, बी ऑप्शन दे रखा -91, सी ऑप्शन दे रखा बेटा 85 और डी ऑप्शन दे रखा 91, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, तो सिंपल कुछ नहीं, वो कंपेयर ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो पढ़ा है बस उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखो, अब ये -2 इनको मुझे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, तो मैं माइनस सबसे पहले बाहर ले लेता और 2 + 1/3 iota का क्यूब लिखूंगा बेटा, ठीक है। और ये चीज इक्वल टू मैं x + iota y / 27 लिख लूंगा, ठीक है। अब इनको मैं फॉर्मूले पे ब्रेक करूंगा, तो माइनस बाहर रहेगा, इसको मैं 8 लिखूंगा, इसको +1/27 iota/3 लिखूंगा, ठीक है। और प्लस जो मैं लिखूंगा वो 3 times of 4 into 1/3 iota लिखूंगा, और प्लस 3 into 2 into 1/9 iota² लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर, बस इतना ही। और ये चीज इक्वल टू x + iota y / जो होगा बेटा वो 27 होगा, राइट। अब माइनस में कॉमन लूंगा, ये चीज लिखूंगा 8 iota³ का मतलब जो होता है वो -iota होता है बेटा, तो मैं -1/27 iota लिखूंगा।
और इसमें ये थ्री कैंसल, तो इनका जो रिजल्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, इनका ये और ये कैंसल, ये आयोटा एक्चुअली ऊपर है तो ये 4 आयोटा आएगा, प्लस 4 आयोटा लिखूंगा, और इनका इनका इनसे रिजल्ट कैंसल, तो ये हो जाएगा बेटा +2/3 आयोटा स्क्वायर, मतलब हम -2/3 लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। अब ये चीज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई डिवाइड 27 होगा, तो 27 लिख दिया मैंने। अब माइनस से आप रिजल्ट करो तो ये इमेज रियल पार्ट जो होगा वो 2/3 -8 आ जाएगा, और ये चीज जो होगा बेटा +1/i कॉमन, तो 1/27 और -4 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये चीज जो होगा बेटा ये क्या होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये चीज आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो ये चीज जो आएगा बेटा वो आएगा 20 -22/3 आएगा, और प्लस ये चीज जो आएगा बेटा 1 in sorry iota into 27 multiply 4, ये 8 हो जाएगा कैरी 2, और ये 107, मतलब -107/27 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा अगर ये चीज होगा बेटा तो अब मुझे यहाँ पर पता चला बेटा वो क्या, तो ये चीज इक्वल टू x/27 बनाओ और प्लस iota y/27 बनाओ बेटा, ठीक है। तो 27 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इनको, किसको, डिनोमिनेटर को, तो न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये रिजल्ट जो आएगा बेटा वो क्या आएगा, -198 और -107 iota डिवाइड जो होगा बेटा, डिवाइड क्या हो जाएगा 27। तो आपको लगता है एक्स इक्वल टू, मैं देख रहा एक्स क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो चीज मैं देख रहा -198, और वाई इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -107। तो आपको क्वेश्चन में डिमांड इसने किया है वो क्या किया है बेटा, तो वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है जो भाई साहब y-x बताइए, तो y की वैल्यू -107 माइनस टाइम्स ऑफ -198, और दिस इज इक्वल टू +91, मतलब ये डी आंसर है, ठीक है। तो एक ये जो है वो मेंस का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। अब कौन से ईयर में पूछा था मुझे पता नहीं, पर ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक ये हो गए, एक और क्वेश्चन लेता जो 3 से 4 बार उन्होंने पूछा है, उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो उनको हम देखते हैं, जैसे मान लो बेटा क्वेश्चन ऐसे दे रखा, वो दे रखा जो लेट ए इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π, ठीक है, सच डेट 3 + 2 iota sin थीटा, और डिवाइड जो है बेटा वो 1 - 2 iota sin थीटा इज प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। देन सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज, ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा आपका 5π/6, ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा पाई, सी ऑप्शन दे रखा है बेटा 3π/4, और डी ऑप्शन दे रखा है बेटा 2π/3, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनको हम दिस इज प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, प्योरली इमेजिनरी आपको चाहिए तो रियल पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो चीज है बेटा 3 + 2 iota sin थीटा एंड डिवाइड जो है बेटा वो 1 - 2 iota sin थीटा,
इनको कन्वर्ट करो कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और डिवाइड जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, राइट। अब इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन वगैरह करेंगे तो ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, तो वो देखते हैं क्या आता है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा होगा बेटा, और यहाँ पर जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 2 आयोटा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई जो होगा वो 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और होल डिवाइड जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा, और sin² थीटा हो जाएगा। डू यू एग्री विद दिस? तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं लिखूंगा 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, प्लस इनको मैं लिखूंगा बेटा वो क्या लिखूंगा, इनको मैं लिखूंगा 2 आयोटा साइन थीटा, और इनको लिखूंगा -4 sin² थीटा, एंड होल डिवाइड जो लिखूंगा बेटा वो लिखूंगा 1 प्लस 4 sin² थीटा लिखूंगा बेटा, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या देख रहा, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है उसको आप अलग करो, तो उनको मैं लिखूंगा 3 माइनस 4 sin² थीटा, और प्लस 8 आयोटा साइन थीटा, डिवाइड जो होगा वो क्या होगा बेटा, 1 प्लस 4 sin² थीटा। अब ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया बेटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो देखो बेटा ये चीज जो है, ये चीज ये हमारे लिए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। और ये जो चीज है ना बेटा, ये चीज हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। तो क्वेश्चन में ये बता रहा, जो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है जो रियल पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो रियल पार्ट को जीरो होना पड़ेगा, तो जस्ट 1 मिनट, तो ज्यादा ऊपर चला गया। हाँ, तो अब ये है बेटा, जो रियल पार्ट को क्या होना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो जीरो होना पड़ेगा। तो रियल पार्ट जो दे रखा वो क्या दे रखा बेटा, 3 माइनस 4 sin² थीटा, और डिवाइड जो दे रखा है बेटा वो 1 प्लस 4 sin² थीटा, ये चीज इक्वल टू जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, 3 माइनस 4 sin² थीटा इक्वल टू जीरो, तो 4 sin² थीटा इक्वल टू 3, तो sin² थीटा इक्वल टू मैं लिखूंगा √3/2, सॉरी गलत हो गया बेटा, ऐसा नहीं लिखते, इतना गंदा, मैं लिखूंगा 3/4 लिखूंगा। देयरफॉर sin थीटा जो होगा बेटा वो √3/2 होगा, ठीक है, और वो भी प्लस माइनस के साथ। तो प्लस माइनस ये चीज आया बेटा। तो अब हम देखते हैं वो कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन था वो क्या था, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, ठीक है। तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई, तो नंबर लाइन सिस्टम पर अगर जाए बेटा, तो ये चीज जो होता है वो जीरो, ये चीज होता है बेटा π/2, ये चीज होता है पाई, ये चीज होता है -π/2, ठीक है। तो आपको ये बता रहा है इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से होते हुए यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट यूज हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज हो रहा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है बेटा, ये कितने डिग्री का वैल्यू होता है बेटा, मतलब आप ऐसे लिख लो, थीटा इक्वल टू जो होगा बेटा 160 डिग्री होगा, दूसरा जो होता है बेटा 120 डिग्री होता, तीसरा -60 डिग्री। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ये इनका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इनका सम जो है बेटा वो क्या आ जाएगा, ये और ये कैंसल, मतलब 120 डिग्री, और वो जो आंसर आएगा बेटा वो 2π/3 को ही हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, 120 डिग्री।
तो इस तरीके से जो इनका आंसर आएगा बेटा, वो आंसर क्या आएगा, 2π/3, यानी डी आंसर आएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये डी आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है मॉडुलस आर्गुमेंट, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके ओके, बाय एंड टेक केयर।